इंशाल्लाह ईद की नमाज 7:30 बजे ईद की नमाज क्योंकि तुम आराम ना उठना है तो चांद रात भी तुम फिरना है जितनिया 29 दिन नेकिया कीतियां रोड़नियाँ भी तो तुम है ना। मेरे आका ने फरमाया जिन्हें 2 रातां बंदा जागया ईद उल फितर की रात ईद उल अदहा की रात हुज़ूर ने फरमाया इन्हें 2 ईदा की राती जिहड़ा बंदा जागया अल्लाह का जिक्र किया बाजारां च नहीं फिरया औरतों को मेहंदियाँ नहीं लवाइया हाँ जी ना मर्दा खड़ के औरतों मेहंदियाँ लाइया ना उन्होंने वंगा चढ़ाइया ये तो दयूस लोग हैं हाँ जी काम करने वाला भी दयूस तो करवाने वाला भी दयूस इन्हों तो हजूर ने दयूस फरमाया हाँ जी जिसनों ये भी नहीं पता औरत नूं कि मैं मर्द हाथ च हाथ दे रही हूँ जो भरा भी है रिश्तेदार भी है इन्होंने हजूर ने फरमाया क्यामत वाले दिन दयूस की तरफ अल्लाह नज़र भी नहीं फरमाया जिद अंदर गैरत ही कोई ना हो हुज़ूर ने फरमाया जिन्हें 2 रातां जिंदा कीतियां ईद उल फितर की रात ईद उल अदहा की रात यानी अल्लाह का जिक्र तो हुज़ूर ने फरमाया जिस दिन सारे दिन दिल मर जाएंगे ना दिल उस बंदे का दिल उस दिन भी जिंदा रहे उस दिन तुसी राती जाहिर अल्लाह का जिक्र करना है। मैं तो तुहाड़े बारे नहीं ना सोच सकता कि तुसी बाजारों अपने नमाज रोजे तो कुरान दियाँ तिलावतां रोड़नियाँ हाँ जी अल्लाह का जिक्र करो तो जल्दी उठो तो सवेरे जे देर नाल भी उठो तो बहरहाल वैसे मैं तो जाती तौर पर कायल हाँ भी तू सारे आके सवेर की नमाज इतने पढ़ो तो 20 मिनट बाद नमाज ईद पढ़ा के फारिग कर देते लेकिन तुम आना कोई नहीं चूंकि पाकिस्तान का एक रवाज अपना इस वास्ते तुहाडे ज़ौक के मुताबिक 7:30 बजे इंशाल्लाह ईद होएगी इंशाल्लाह ज़ौक के मुताबिक मेरा ज़ौक तो है हाँ इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बन जाएगा ना तारीख लगभग या रसूल्लाह का साथ दोगे ना जाहिर जिन्हें फर्ज नहीं पड़े कभी पानामा लीक साले का जौक तय नहीं ना हो सकता कि सवेर की नमाज बाद जमात पढ़ी जाए वह तो सलाउद्दीन अय्यूबी हो सकता वह तो नूरुद्दीन जंगी हो सकता वह तो सलाउद्दीन अय्यूबी हो सकता क्यों जी वह तो शेख शहाबुद्दीन गौरी हो सकता क्यों ये तो वे वे कुतुबुद्दीन हो सकता ये तो इल्तमश हो सकता कि जिदियाँ असर दियाँ तो शादियाँ पहलियाँ सुनता भी कभी कजा न हो जौक तो होर हैं ना यह जौक उदों ही पैदा होएगा जब उत्ते दीन होएगा हजूर का तख्त उत्ते दीन वह तुम लैना इंशाला 2018 तो दूसरा ऐलान है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा।